गाजीपुर में कोरोना संक्रमितों के मिलने की रफ्तार थम नहीं रही है। आए दिन संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 15 अस्थायी जेल, एक मासूम बच्ची सहित कुल 44 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आए दिन कोरोना संक्रमितों के मिलने से जिले वासियों में इस खतरनाक बीमारी को लेकर भय बढ़ता जा रहा है। आइए अब आपको बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में पाए गए मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। बता दें कि दिलदार नगर से एक, सैदपुर के परसनी से एक, भदौरा से एक मरीज पाए गए हैं। वहीं पहाड़पुर खुर्द से एक, जिला पूर्ति कार्यालय से एक, अस्थायी कोरोना जेल में 15, सैदपुर के तियरा से एक मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा सदर के चकतलिया से एक, बिरनो ब्लॉक के जंगीपुर से एक, रेवतीपुर बिरऊ नसीरपुर से एक और कासिमाबाद के नसरुद्दीनपुर से एक मरीज पाए गए हैं। रेवतीपुर से एक, तहसील सदर का एक, जखनिया से एक, दिलदार नगर के मिर्चा से दो, शादियाबाद के कस्बा कोयरी से एक मरीज पाए गए हैं। वहीं सैदपुर थाना के एक पुलिसकर्मी, देवगली के देवचंदपुर से एक, सैदपुर के वार्ड नंबर 14 से एक, रामपुर के बभनौली से एक मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा चंदवाहा से एक, पदमपुर से एक, चंदवाहा बिकापुर से दो, मोहम्मदाबाद के जसदेवपुर से एक, रामवन से एक मरीज पाए गए हैं। तहसील मोहम्मदाबाद से एक और जखनिया से एक मरीज के अलावा बहरियाबाद के खाजेपुर की एक मासूम बच्ची भी कोरोना से संक्रमित पाई गई है। जिले में कोरोना संक्रमितों के मिलने का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारी आपसे अपील है, आप इस दौरान खुद का ख्याल जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।